गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेंगलोर। रिट्स कार्ल्टन होटल में मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद कौमी टीम चेन्नई के लिए रवाना होगी। चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए कौमी टीम ने रवाना होना है चेन्नई में, जहां पर दो मैचेस हैं। आज का दिन रेस्ट डे है, कल टीम प्रैक्टिस करेगी। यहां से टीम के प्लेयर्स निकलेंगे और पीछे आप देख रहे हैं मेरे के बस है, सिक्योरिटी है और बस में बैठेगी टीम। और एयरपोर्ट लगभग घंटा सवा घंटे का रास्ता है, जिसके बाद चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए टीम चेन्नई रवाना होगी। ये विजुअल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जब टीम रवाना होगी। इसी रास्ते से टीम निकलेगी। बड़ी मायूस कन कारकर्दगी रही। अब उस उम्मीद के साथ टीम जा रही है चेन्नई कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो मैच है उसमें भरपूर तरीके से टीम खेले, परफॉर्मेंस दे और कामयाबी से हमकिनार करे। तो ये वो मनाजिर अभी आपको दिखाऊंगा कुछ ही देर बाद। ये रिट्स कार्ल्टन होटल है जहाँ पर टीम क्याम पजीर रही एज स्टेट गेस्ट। एजाज वसीम साहब हैं, उस्मान मिठा साहब हैं और ये आप मनाजिर देखेंगे टीम के। ये देखें जी, ये टीम बस बिल्कुल रेडी है, ये यहाँ पे आ चुकी है टीम बस।
जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, कौमी टीम कुछ ही देर पहले यहाँ से रवाना हुई है। पाकिस्तान टीम का अगला पड़ाव चेन्नई है, जहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के सामने मद्देमुकाबिल होगी। बड़ा अहम मैच होगा। दोनों मैचेस पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि भारत से शिकस्त और ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त के बाद जो अब आगे के मैचेस हैं, पांच मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं, लेकिन जो अगले दो मैचेस हैं इससे तायुन होगा कि कौमी टीम कहां पर खड़ी है, क्या रन रेट है। कौमी टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए रवाना हुई है और आज ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा, कल ट्रेनिंग सेशन होगा 2 बजे से 5 बजे तक जो भारत का मकामी वक्त है। इस उम्मीद के साथ हम भी चेन्नई रवाना होंगे कि कौमी टीम अच्छा परफॉर्म करे। पूरी कौम दुआगो है कि पाकिस्तान अगले मरहले में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे और रन रेट अपना बेहतर करे और टेबल पॉइंट्स पर ऊपर आए। बेंगलोर से अब्बास शबीर को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।